गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सभी। चलिए बच्चों, आज हिंदी का वापस से तास आ गया है और हम पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए वाक्य रचना, पेज नंबर है 44, 44 नंबर का पेज वाक्य रचना है। आज की दिनांक भी हम लगाएंगे। और चलिए इससे पहले के जो पेज में हमने पढ़ा था, देख सकते हो आप, उ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा, आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए आज आगे का पेज है ए की मात्रा। जब बच्चों ए करते हैं ना इस तरह से, यह ए की मात्रा ऑलरेडी बन जाता है, इसमें फिर ऊपर डंडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चलिए अब यह वाक्य पढ़िए, हरे भरे वृक्ष। इसे हम क्या है, यह रेफ की मात्रा होती है, रेफ पदेन में हमने पढ़ा, वृक्ष क्या कहते हैं इसे, वृक्ष। अब लिखने का भी प्रयास करेंगे हम, हरे भरे वृक्ष है, क्या है, वृक्ष। और यह है पूर्ण विराम। एक और बार हरे बोलते जाइए और लिखते जाइए, हरे भरे वृक्ष और फिर पूर्ण विराम। एक और बार हरे भरे वृक्ष, इस तरह से पूर्ण कीजिए यहाँ पर। अब देखिए उसके नीचे वापस से ए की मात्रा पढ़ो। चलो क के ऊपर ए की मात्रा केला, ज ल के ऊपर ए की मात्रा जलेबी, स स के ऊपर ए की मात्रा सेब, ला। तो चलिए लिखेंगे और पढ़ते भी जाएंगे, केला जलेबी जलेबी, सेब कॉमा भी करना है, सेब ला, और फिर लगाएंगे पूर्ण विराम। एक और बार लिखेंगे हम, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको, केला जलेबी सेब ला, और फिर इसे कहते हैं पूर्ण विराम। इस तरह से एक ही मात्रा को यहाँ पर पूर्ण कीजिए। अब देखिए इसके नीचे पर हम पहले एक ही मात्रा कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए कृषक मतलब रेफ था यहाँ मात्रा में, यह है कृ, क्या पढ़ेंगे इसे, कृ, कृषक कृषि करता, कृषक मतलब किसान, कृषि मतलब खेती करता, पर हमें यहाँ पर मात्रा जोड़ के बताया, कृषक कृषि, कृषि नहीं कहेंगे हम हिंदी में, कहेंगे कृषि, कृषि करता मतलब किसान खेती करता है। एक और बार, कृषक कृषि करता, इस तरह से इसे कंप्लीट कीजिए एक एक लाइन छोड़कर। अब एक ही मात्रा है, यहाँ देखिए ब के ऊपर एक ही मात्रा, बे साथ में जोड़ा है टा, बेटा, लाल टेन जला, बेटा लाल टेन जला, फिर पूर्ण विराम। एक और बार, ब के ऊपर लगाई थी एक ही मात्रा, बेटा लाल टेन जला, है ना। अब फिर हम लगाएंगे पूर्ण विराम, बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे, बेटा लाल टेन जला और फिर पूर्ण विराम। इस तरह से कंप्लीट कीजिए, यह एक ही मात्रा यहाँ पर पूर्ण हुई। अब देखिए बच्चों, अब दो मात्रा है,
तो क्या कहेंगे हम इसके ऊपर दो मात्रा नहीं पर ये जो है ना एक ही मात्रा क्या कहलाती ऐ, यह ऐ की मात्रा है। क्या है ऐ की मात्रा? तो आप कहोगे मैडम इसके ऊपर तो दो बनाए हैं, दो मात्रा लगाई है और इसमें आपने एक ही लगाई है, तो हिंदी का यह जो स्वर है वह ऐ की मात्रा कहाँ गया है ना? आपको याद है ना ऐ की मात्रा ए ए एन का ऐ, तो हम दो मात्रा वर्ण के ऊपर लगाएंगे पर जब स्वर होता है तो एक ही मात्रा उसके सिर के ऊपर लगती है। पर पढ़ेंगे क्या ऐ की मात्रा, जैसे कि यह पढ़ो स के ऊपर एक ही मात्रा सैनिक, त के ऊपर एक ही मात्रा तैयार है, तैयार नहीं हम तैयार है सैनिक लिखे भी लिखेंगे हम सैनिक दो मात्रा तैयार है, इस तरह से लिखेंगे हम सैनिक तैयार है। एक और बार सैनिक सैनिक बोलेंगे तैयार ना कि तैयार, तैयार है ना बच्चों? लिखते जाइए सैनिक तैयार है, यह हो गई ऐ की मात्रा। सामने देखिए मैदा फैल गया है ना, म के ऊपर ऐ की मात्रा मैदा, यह है फैल, फैल गया मतलब यहाँ वहाँ फैल गया है, पूर्ण विराम मैदा फैल गया, मैदा क्या हो गया फैल गया। तो आप इसे कंप्लीट कीजिए आज की दिनांक के साथ पाठ्य पुस्तक में यह कंप्लीट कीजिए। चलिए अगले तास में फिर मिलेंगे, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बच्चा।